इंदौर पुलिस ने शहर के लगभग हर क्षेत्र में मोबाइल लूट पिछले दो दिनों में हुई घटनाओं में बड़ा खुलासा करते हुए घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को लूटे गए मोबाइल, पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। डीसीपी जॉन वन आदित्य मिश्रा ने हुई घटनाओं को लेकर पकड़े जाने वाले आरोपियों के साथ एक प्रेस वार्ता करते हुए मामले का खुलासा किया। मोबाइल लूट की घटना में इस्तेमाल की गई तेज़ रफ्तार वाली करिश्मा बाइक भी पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से जब्त की। इसमें विगत दो दिनों में इंदौर में काफ़ी अधिक संख्या में जो मोबाइल स्नैचिंग की घटनाएं हैं ये सामने आई थी, और ये कोई भी एक थाना क्षेत्र में रिस्ट्रिक्टेड नहीं थी। जबकि देखा जाए तो इंदौर को देखें तो उसके सभी कोनों में तुक्कोगंज, पलासिया, विजयनगर, मल्हारगंज, एरोड्रम, अन्य सभी क्षेत्रों में ऐसा लगा था कि एक साथ मोबाइल स्नैचिंग हुई हैं, जिसमें जो मोडस था अपराध करने का वो भी बहुत सिमिलर था। और इसी के साथ साथ जिस तरह के ग्रुप्स को टारगेट किया गया था, जिस समय ये लूटे की गई थी, वो भी बहुत क्लोजली ऐसा लग रहा था रिजेंबल कर रहा था एक दूसरे से। इसी के चलते मल्हारगंज में भी ये किसी शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें मॉर्निंग वॉक में एक जो बुजुर्ग थे वो अपने मित्रों के साथ जा रहे थे, उनके हाथ से मोबाइल स्नैचिंग की गई थी, लूट की घटना पारित की गई थी सुबह। इसमें जो एक मुख्य लीड पुलिस को मिली थी, वो गाड़ी जो यूज कर रहे थे, वो लूट में जो गाड़ी इस्तेमाल हो रही थी वो एक बड़ी करिश्मा बाइक थी, जिसका एक डिजिट एक सीसीटीवी कैमरा में मिला था। उसके बाद मल्हारगंज थाना और बाकी अन्य जो जोन्स की पुलिस ने इसमें बहुत अच्छे से जो एक काम किया, वो कि उस डिजिट को कॉमन रखने के बाद जितने भी कॉम्बिनेशंस नंबर्स के पॉसिबल हैं, उनका आरटीओ से जानकारी निकालना शुरू किया कि इंदौर के लिए आरटीओ में कौन सी गाड़ियां हैं जो करिश्मा हैं, जो रजिस्टर्ड हैं उस नंबर के साथ। तो इसमें करीबन 23 गाड़ियां ऐसी हैं जो पिछले 5 से 6 सालों में रजिस्टर्ड आई थी करिश्मा बाइक्स, उन सभी को साइलेंटली ट्रैक करना शुरू किया। तो उसमें पता चला कि विजयनगर थाना क्षेत्र में दो दिन पूर्व ये करिश्मा बाइक चोरी हुई थी, जिसमें जो फरियादी हैं शिव करण केश, इनके मालवीय नगर इंदौर के रहने वाले हैं, इनकी करिश्मा बाइक थी जो चोरी हुई थी। उन्होंने चोरी की रिपोर्ट भी विजयनगर थाना क्षेत्र में कराई थी। इसके बाद सभी घटनाओं में सिमिलैरिटी को देखते हुए सभी जगह से टेक्निकल डेटा लिया गया, और उसके बाद इसमें लोगों की तलाश पताश भी स्टार्ट की गई। तो इसमें वर्तमान में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्त में लिया है, जिसमें एक जो मुख्य आरोपी है शोभित पिता सुरेश शर्मा, दूसरा आरोपी जो है मनीष पिता रघुवीर बिजोर, और तीसरा आरोपी जो है अनुराग पिता महेश राठौर। इसमें जो मुख्य बात समझ में आई है, ये तीनों जो है लसूड़िया थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, परंतु विगत कुछ समय से ये इंदौर में नहीं रह रहे हैं, और ये लोग सभी लोग सोनकच्छ में जो शराब की कलाली होती है वहां पर काम कर रहे हैं, और अभी भी लूट की घटनाएं। खजराना में रहने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी और घेराबंदी करके उसको पकड़ा, उसको खजराना पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें बेसिकली जो बात सामने आई है वो जो कि पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है, इसका आधा दर्जन करीब अपराध हैं इसके, और ये बेसिकली फोर व्हीलर की चोरी करता है, वाहन की चोरी करता है, और वाहन की चोरी करने के बाद उस वाहन में ये बकरा चोरी की वारदातें करता है, जिसमें कि धार, बुरहानपुर, रतलाम इस तरह के जिलों में भी इसकी ये इसकी गिरफ्तारी शेष है, इनको भी तलाश की जा रहा है। और ये पिछले महीने जैसा कि अभी बताया पूछताछ में इसको वेरीफाइड किया जा रहा है, इसके द्वारा बताया गया कि रतलाम से भी एक फोर व्हीलर चोरी करके और बकरा लेके वहाँ से चोरी करके भागा था, फिर यहाँ देपालपुर के पास वो गाड़ी छोड़कर भाग गया था, तो वह बकरे भी मिले थे, इस तरह की बात उसके द्वारा पूछताछ में बताई गई है। तो सबको वेरीफाइड किया जा रहा है, फिलहाल उसके द्वारा ये बताया गया है कि वो बुरहानपुर, धार और रतलाम से वांटेड है, तो उस पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस पर इनाम भी हो सकता है।